Good morning, students. I welcome you all. Hope now you all have GK books. If anybody have any type of problem regarding books, please contact to me after this session. Let's start your chapter 2. Chapter 2, how animals adapt. In this chapter, we will learn how animals adapt their surroundings, like we humans adapt our surroundings. So let's start. First, this member of the dog family can change its color. Its fur is white or gray blue during the winter and gray blue, gray brown or gray during the summer, helping it camouflage. Its long bushy tail, also called a sweep, helps it to maintain its balance and keeps its feet and nose warm when it curls up to sleep. Dog family का ये member अपना रंग बदल सकता है. इसकी fur सर्दियों के दौरान सफेद या भूरे नीले और गर्मियों के दौरान भूरे रंग के होती है, जो इसको छिपने में मदद करती है. इसकी लंबी झाड़ीदार पूंछ, असली जिसे रॉ कहा जाता है, इसे मदद करती है और इसका रंग बदल देती है. यह ग्रे ब्राउन या ग्रे अपने संतुलन को बनाए रखता है और जब यह सोने के लिए उठती है तो यह इसकी नाक को और अपने पैरों को गर्म रखती है. यस, कैन यू टेल मी आंसर? आंसर इज आर्कटिक फॉक्स. नाउ सेकंड, फाउंड इन द रिवर्स ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न अफ्रीका, दिस एनिमल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फेरोसियस एनिमल्स इन द कॉन्टिनेंट. It secretes an oily substance from its skin, popularly known as blood sweat, which acts as a natural sunscreen and protects it from sunburn. This secretion, however, is neither blood nor sweat. It acts as a moisturizer and protects against germs. यह जानवर ईस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की रिवर्स में पाया जाता है. इस जानवर को सबसे क्रूर कॉन्टिनेंट में से एक माना जाता है. यह अपनी स्किन में से, मींस अपनी त्वचा में से एक ऑयल जैसा कुछ सॉल्यूशन सिक्रीट करता है, यानी निकालता है, जो एक ऐसा लगता है कि रक्त के पसीने के रूप में पोपू, जो एक नेचुरल सनस्क्रीन और पीआर सनबर्न के रूप में काम करता है. यह सिक्रीशन वो ना तो ब्लड से होता है और ना ही मॉइस्चराइजर, और वह जम से उसे प्रोटेक्ट करता है. एनी गेसेस? योर आंसर इज हिप्पोपोटामस. नाउ थर्ड, दीज फ्रॉग्स रेंज फ्रॉम लेस देन 1 inch टू अराउंड 2.5 inches इन बॉडी लेंथ. दे ऑल आर वेरी इन देयर कलर्स एंड पैटर्न्स. द ब्यूटिफुल कलरिंग ऑन देयर बॉडीज आर वार्निंग्स टू प्रीडेटर्स दैट दे आर पॉइजनस. In certain cases, their patterns also help them camouflage. ये मेंढक शरीर की लंबाई में 1 inch से लेकर लगभग 2.5 inch तक होते हैं. वे सभी अपने रंग और पैटर्न में अलग अलग कलर्स के होते हैं. They are totally different in color and patterns. उनके शरीर पर सुंदर रंग शिकारियों को चेतावनी देते हैं कि वे बहुत ही जहरीले हैं, उन्हें हाथ ना लगाएं. कुछ मामलों में उनके पैटर्न भी उनको छिपने में मदद करते हैं. योर आंसर इज पॉइजन डार्ट फ्रॉग. नाउ फोर्थ वन, दिस लिजर्ड हैज अ स्किन फ्लैप विच लुक्स लाइक अ फ्रिल एनसर्कलिंग इट्स नेक, विच इट कैन रेज सडनली व्हेन थ्रेटन्ड टू सरप्राइज इट्स एनिमी. दिस कैन मेक इट्स हेड लुक सेवरल टाइम इट्स नॉर्मल साइज. इस लिजर्ड पर स्किन की फ्लैप होती है जो एक फ्रिल की तरह लगती है. फ्रिल पता है ना, राउंड राउंड राउंड, बिल्कुल उसी की तरह लगती है, जो उसकी नेक को कवर करती है, जो अचानक उसके ऊपर गर्दन उसकी ऊपर उठ जाती है और उसे लगता है कि उसकी, उसका कहीं एनिमी जब आता है ना तो उसकी एकदम से जो वो नेक होती है सर्कल, वो ऊपर उठ जाती है और उसका हेड नॉर्मल साइज से बड़ा दिखता है. वो थोड़ा बड़ा बड़ी दिखती है. योर आंसर इज फ्रिल लिजर्ड. ओके, नाउ लुक एट टिडबिट्स. द बर्मीज पाइथन इज अमंग द लार्जेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड. इट बिलोंग्स
to the tropical and subtropical areas of Southeast Asia and grows up to more than 20 feet in length. Their hind jaws can separate, which allows them to swallow larger prey almost 4 to 5 times larger than their heads. बर्मी पाइथन दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है. यह साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में 20 फीट से ज्यादा अधिक बढ़ता है. उसके हिंग वाले जबड़े अलग हो सकते हैं, जो उन्हें बड़े शिकार को निगलने में स्वेलो अप करने में की परमिशन देते हैं, जो उसके सिर की तुलना में कई गुना बड़ा हो जाता है. तो कौन सा पाइथन है ये? ये होता है बेटा बर्मीज पाइथन. नाउ चेक योर आंसर्स वंस अगेन. ओके, योर पेज नंबर 8 इज कंप्लीटेड हियर.